सो हेलो मेरे दोस्त सर, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं हमारे सारे भाई लोग बड़े होंगे, सो आगे भी बड़े रहना। सो भाई लोग, माय नेम इज आदित्य और वाचिंग फॉर पापा आईडी 39 यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो होने लगा बहुत ही ज्यादा मजेदार होने लगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा जो कोबरा MP40 का स्किन है वो अपने इंडिया सर्वर के अंदर कब तक आने वाला है। एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो में हमने बहुत अच्छा अच्छा इवेंट अपडेट वगैरह कवर किया है। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने लगा और इस वीडियो में एक ट्विस्ट है। सो तुम लोग वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना, और वीडियो कहीं पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर ही लेना। और चैनल पर नया आ रहे हो, आज से पहले तुम लोगों ने हमारे चैनल को अभी विजिट नहीं किया, पहली बार तुम लोगों ने हमारे चैनल को विजिट किया है। सो यहाँ पर एक लाल कलर का बटन तुम्हें अभी दिख पा रहा होगा, उसे क्लिक कर लो, उसके बाजू में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। तुम लोग जैसे ये सारे काम करते हो तुम लोग उसी वक्त हमारे फैमिली के एक मेंबर बन जाओगे, जो कि बहुत बढ़िया है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जिन भाइयों को मेरे साथ गेम वगैरह खेलना है वो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं अपना गेमिंग आईडी दिया हूँ, वहाँ से तुम लोग मुझे गेम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और वहीं से मैं गेम में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। सो वहाँ जाकर जरूर से हमें फॉलो कर लो, इंस्टा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तुम लोगों ने इतने सारे काम अपने भाई के लिए पहले से करके रखे, सो देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम। आओ यार वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं हिलाते हुए। वे मेरा मतलब उससे नहीं है रे ठरकियो, मेरा मतलब है कि आओ यार बेल वाले बटन को हिलाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझ रहे हो? अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि तुम्हें 99 डायमंड में एक ग्लोबल का स्किन, एक साहित का स्किन, और उसी के साथ साथ तुम लोगों को एक बैकपैक, ये सारे आइटम मिलेंगे, तो तुम लोग क्या बोलोगे? चल झूठा। यार मैं तो तुम लोगों को झूठा ही लगता हूँ, तुम लोग खुद ही देख लो, यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि अपना रमजान पास इवेंट अपने इंडिया सर्वर के लिए 29 अप्रैल को कंफर्म हो चुका है, जिसमें एक ग्लू वॉल की स्किन तुम्हें देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ तुम लोगों को एक सहित की स्किन देखने को मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ तुम्हें एक बैकपैक भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमें 3 या 4 आइटम 99 डायमंड के अंदर मिलने वाले हैं। सो भाई लोग, ये इवेंट मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, 99 डायमंड के अंदर हमें ग्लू वॉल की स्किन, बैकपैक की स्किन एंड बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं। और ये अपने इंडिया सर्वर के अंदर 2 बार और भी आया है, एक बार दिवाली पास में आया था, एक बार दिवाली में आया था जिसका नाम दिवाली पास था, और एक बार और कोई इवेंट में आया था आई थिंक, जिसमें हमें एक रेड कलर का ग्लूवल मिला था, तुम लोगों को याद ही होगा, तुम लोगों को पता होगा। तो जैसे कि हमने कल वाली वीडियो के अंदर तुम्हें बता दिया था कि 29 अप्रैल को अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये वाला M1887 की स्किन भी आने वाला है। सो तुम लोग समझ ही सकते हो अपने इंडिया सर्वर के अंदर 2 बड़े इवेंट आने वाले हैं 29 अप्रैल को, और 29 अप्रैल को तुम लोग M1887 की स्किन निकालते हो या ये वाला जो अपना रमजान पास से इवेंट है वो निकालते हो, मैं कमेंट करके जरूर से बताना यार। सो अभी बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे एंड बात करते हैं कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर तुम्हें डीजी आलोक जो करेक्टर है वो तो अभी फ्री में मिल रहा है, उसके बाद तुम्हें ऑल करेक्टर जितने भी टॉप अप वाले करेक्टर है वो तुम्हें कोई भी इवेंट वगैरह कंप्लीट नहीं करना होगा, तुम्हें गोल्ड रॉयल में मिलेगा। तो तुम लोगों का रिएक्शन कैसा होगा? सो अभी मैं तुम्हें वाला इवेंट दिखाता हूँ। सो भाई लोग, यहाँ पर तुम लोग अभी इवेंट देख पा रहे हो, इसमें लिखा है स्पेशल गोल्ड रॉयल, जिसके अंदर तुम्हें देखने को मिल रहा है अपना डीजे आलोक, एंड उसी के साथ साथ तुम्हें देखने को मिल रहा है स्काइलर करेक्टर, एंड उसी के साथ साथ इसमें के है, उल्फ्रा है, अपना जो जोटा करेक्टर वो है, उसी के साथ साथ कोरोनो करेक्टर भी है, उसके साथ बहुत सारे और जितने भी टॉप अप वाले करेक्टर है उसमें मिल जाएगा तुम्हें। और यहाँ पर तुम्हें अपना जो स्पिन रहेगा यहाँ पर गोल्ड रॉयल से तुम लोग नहीं मार पाओगे, यहाँ पर तुम लोगों को अपने जो गोल्ड है उससे तुम्हें इसमें स्पिन करना होगा। सो तुम्हारे पास तो गोल्ड बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, यहाँ पर उकोंग सब करेक्टर, जितने भी करेक्टर है सबके सब तुम्हें मिलने वाले हैं। सो भाई लोग, तुम लोग को ये वाला इवेंट कैसा लगा हमें बताना यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरे को तो भाई लोग लिटरली भाई लोग बहुत ज़्यादा ओपी लगा है, जो भाई अपने गेम में टॉप अप नहीं करते उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से वो करेक्टर निकाल सकते हैं, एंड बहुत सारे करेक्टर तुम लोग निकाल सकते हो यहाँ से। और यहाँ से अगर तुम लोगों का एक तुम्हारे पास जो करेक्टर पहले से वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो तुम लोग बताना यार कमेंट करके कि ये इवेंट तुम्हें कैसा लगा है, और ये इवेंट अपने इंडिया के लिए बिल्कुल से कंफर्म हो चुका है, और ये अपने इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला है, अभी तो इसका डेट मेरे को नहीं पता चला। जैसे ही मुझे डेट पता चलता है तुम्हें सबसे पहले मैं वीडियो बना के अलर्ट कर दूंगा। एंड भाई लोग, अभी से गोल्ड बचाना स्टार्ट कर दो, हो सकता है तुम्हें इस मंथ बाद ही ये वाला इवेंट देखने को मिल जाए। तुम्हें तो पता है अपने इंडिया सर्वर से अभी अपने गेम बैन है, और गेम बैन होने की वजह से जब पबजी हमारे इंडिया सर्वर से बैन हुआ था तब बहुत सारे प्लेयर अपने फ्री फायर के अंदर शिफ्ट कर गए थे, इसीलिए गरीना फ्री फायर ऐसा इवेंट दे रहा है जिससे कि अपना जो फ्री फायर है उसको कोई छोड़ के दूसरे गेम में शिफ्ट ना हो। तुम लोग समझ पा रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, और गरीना फ्री फायर क्या चाहता है वो हमें पता चल गया है कि अगर वो फ्री का आइटम देगा तो अपना जो फ्री फायर के ऑडियंस है वो अपने गेम को छोड़ के नहीं जाएंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एंड अभी अपने इंडिया सर्वर के अंदर हाल फिलहाल ही ऐसा भी मेरे को लीक निकल के आ रहा है कि जितने भी अपने लेजेंडरी गन स्किन है वो सब भी तुम्हें बहुत जल्दी फ्री में मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि गरीना फ्री फायर चाहता है कि लॉस हो तो हो लेकिन गेम से प्लेयर ना जाए। इससे अपने फ्री फायर के ओल्डेस्ट प्लेयर एंड न्यू प्लेयर दोनों को फायदा हो रहा है। कैसे? तो ओल्डेस्ट प्लेयर अपने जो गेम में टॉप अप नहीं करते थे उनको फ्री में आइटम्स मिल जाएंगे, एंड जो न्यू बंदे हैं अभी जो गेम में आ रहे हैं उनको भी फ्री में आइटम मिल जाएगा, इसके वजह से गरीना फ्री फायर भी लॉस नहीं होगा, तुम भी खुश और हम भी खुश। चलो अभी हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे
बात करते हैं अपना जो कोबरा MP40 है वो अपने इंडिया सर्वर के अंदर कब तक रिटर्न बैक आने वाला है। सो भाई लोग अपने इंडिया सर्वर के अंदर कोबरा MP40 है वो पहले तो मैंने बोला था दिसंबर मंथ में आने वाला है, बट पूरा लीक वगैरह चेंज हो चुका है। अपने इंडिया सर्वर के अंदर कभी भी हो सकता है अपना कोबरा MP40 फिर से आ सकता है रिटर्न बैक, हो सकता है तुम्हें जून या जुलाई मंथ में देखने को मिल जाए या अगस्त या सितंबर तक, तो हमें तो पक्का है कि बिल्कुल से कि तुम्हें अपने इंडिया सर्वर के अंदर कोबरा MP40 रिटर्न बैक देखने को मिल जाएगा। एंड भाई लोग कितने सारे भाई है जो कोबरा MP40 निकालते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताना यार। एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है, जो अपना कोबरा बंडल है वो भी अपने इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्दी रिटर्न बैक आने वाला है। सो कब तक आने वाला है उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो तो। सो भाई लोग चलो अभी हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अपन लोगों के इंडिया सर्वर के अंदर अपना जो अप्रैल मंथ का जो एलीट पास है वो कब तक डिस्काउंट में तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो के अंदर बात किया था कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर एलीट पास तुम्हें डिस्काउंट में ना देखने को मिलेगा, बट सुबह एक मेरे को एक लीक निकल के आया जो कि अपने अप्रैल मंथ का डिस्काउंट इवेंट से रिलेटेड है। अपने इंडिया सर्वर के अंदर तुम्हें लकी व्हील नाम का जो इवेंट है वो तुम्हें देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई लोग देखो कोई भी अपने एलीट पास वगैरह को अपग्रेड नहीं कर रहा है, इसके वजह से गरीना फ्री फायर भी क्या कर रहा है कि अपना जो एलीट पास वगैरह है उसको डिस्काउंट में दे दे रहा है। अभी 2 महीने से अपने इंडिया सर्वर में कोई भी एलीट पास डिस्काउंट इवेंट से कोई भी रिलेटेड कुछ भी नहीं निकल के आया, बट अपने इंडिया सर्वर के अंदर हो सकता है कि तुम्हें एलीट पास डिस्काउंट में मिल जाए इसी मंथ को। सो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लीक मेरे को निकल रहा था सो मैं तुम्हें बता दिया। और अगर 25 तारीख तक तुम्हें कोई भी डिस्काउंट इवेंट ना देखने को मिलता है अपने इंडिया सर्वर के अंदर तो ये सोच लेना कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर एलीट पास में डिस्काउंट में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते किसी और तरक्ती भरकती वीडियो के अंदर। और भाई लोग तुम लोग कमेंट करके जरूर से बताना मेरे से कहां गलती हुआ है इस वीडियो में और क्या मेरे अंदर इंप्रूव करने का जरूरत है, सब कुछ तुम लोग कमेंट करके मुझे बताना यार, क्योंकि तुम लोग मेरे को बताओगे तभी मैं समझूंगा, तभी मैं वीडियो को और भी इंप्रूव करूंगा। सो भाई लोग तुम लोग कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई लोग तुम लोग वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच नहीं करते हो तो आपसे जरूर से वॉच किया करो, क्योंकि मुझे पता चल गया है तुम लोग नहीं वॉच करते हो। सो प्लीज से यार जरूर से वॉच किया करो। सो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते किसी और तकती भरकती वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।